ठीक 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 हाँ ओके भाई। हम लोगों की गाड़ी डिलीवर्ड हो गई, गाड़ी मिल गई है, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। गाड़ी हमें बहुत जल्दी दिला दिया है भैया ने, जो हमने उम्मीद नहीं किया था। समझ लीजिए 3 दिन के अंदर गाड़ी दे दी है। ठीक है देखिए, अभी हम लोग जाम में फंसे हुए हैं, बहुत ज्यादा जाम में। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल न्यू ज्ञान। देखिए आज हम लोग किस तरह बैठे हुए हैं, अब इसका तो कुछ ना कह सकते हैं। हालांकि 6 लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एक गाड़ी लेने वाले हैं हम लोग, जिसमें 6 लोगों को बैठने की व्यवस्था है। तो आज इस गाड़ी को लेकर जा रहे हैं जिसमें आगे हम लोग 6 लोग बैठ के आ सके। और आज फाइनली हम लोगों की कार आ चुकी है जो लेने जा रहे हैं। देखिए सबको एक बैठा हुआ है, मम्मी पापा मैना कुलदीप राजन भैया। तो देखिए हम लोग रास्ते में हैं, अभी कहाँ पहुँच चुके हैं, लखनऊ का आधा रास्ता क्रॉस कर चुके हैं, टोल टैक्स भी क्रॉस हो चुका है। तो फटाफट पहुँचते हैं एजेंसी और देखते हैं कि कौन सी गाड़ी है, क्योंकि आज गाड़ी भी शो करना है, सबको देखने को मिले कौन सी गाड़ी हम लोग ले रहे हैं फाइनली। तो चलिए फटाफट से एजेंसी पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए अभी हम लोग जाम में फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। लखनऊ तो पहुँच चुके हैं फाइनली, बारिश भी हो रही है और चारों तरफ बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। ये देखिए हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, जैसे तैसे जर्नी यहाँ तक ही कम्प्लीट हो चुकी है। आगे देखिए खुल चुका है, ऊपर ग्रीन लाइट हल्की सी आपको दिख रही होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर फटाफट आगे पहुँचते हैं। फाइनली देख सकते हैं आप, हम लोग नेक्सा के जो शोरूम है वहाँ आ चुके हैं अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने। काफ़ी रात हो चुकी है और यहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अभी हमारी कार नहीं खड़ी है, कहीं वो एसेसरीज वगैरह लग रहा है तो फटाफट से अभी लगवाते हैं। और देखिए हम लोग यहीं पे टहल रहे हैं, तो गाड़ी थोड़ी देर में कंप्लीट होके फिर मिलेगी। चलिए तो फिर चलते हैं शोरूम के अंदर और देखते हैं बाकी की कारें जो वहाँ पे खड़ी हुई हैं, क्योंकि अभी तो अपनी कार आई नहीं है। तब तक इन्हीं कार को देखकर काम चलाते हैं और इनके देखते देखते पेपर वर्क भी कंप्लीट करा लेंगे, तब तक शायद अपनी कार आ ही जाए। फाइनली हम लोगों ने गाड़ी वगैरह सब कुछ देख ही लिया है, तो आइए बैठते हैं और बातचीत करते हैं। देखते हैं, कुछ चाय पानी थोड़ा सा कर ही लेते हैं क्योंकि भूख भी लगाई है। शाम काफ़ी मतलब बोले तो रात ही हो गई है ना। ये दिन को अलग से लग रहा है। तो हम लोगों ने चाय नाश्ता देखिए कर ही लिया है, उसके बाद पूरा शोरूम घूम रहे हैं हम लोग। चलिए आपको भी घुमा देते हैं, मम्मी अकेले बैठी हुई हैं, बोर हो रही हैं क्योंकि गाड़ी अभी आई नहीं है। तो चलिए आपको तब तक मैं अपना पूरा शोरूम घुमा देता हूँ जहाँ से हम लोग कार ले रहे हैं, और उसके बाद फिर गाड़ी की डिलीवरी दिखाते हैं। देखिए विनय जी बैठे हुए हैं जिनके थ्रू हमें गाड़ी मिल रही है, तो ये पेपर वर्क समझा रहे हैं, तो फटाफट समझ लेते हैं उसके बाद डिलीवरी लेते हैं। कितने बोलोगे आपकी जितनी गाड़ी है? देखिए हमारी टीम के 2 मेंबर रह गए थे, सिराज भाई और शुभम, वो भी आ गए हैं। तो चलिए इनसे मिलते हैं और उसके बाद आगे देखते हैं। पापा को पेपर वर्क में कुछ डाउट लग रहा था तो वो हम और राजन भैया बता रहे हैं। देख सकते हैं आप, हमारी कार आ चुकी है यहाँ पे और तैयार हो रही है। तो देखिए हम लोग सब कोई टहल रहे हैं। नैना कैसी लग रही है गाड़ी, कहाँ बैठोगी तुम्हें? सीट कहाँ है? चाबी बहुत छोटी है, चाबी बहुत छोटी है भैया। चाबी लिए टहल रहे हैं, याली चाबी लगाने की कहीं ना कहीं लोकेशन हम लोग ढूंढेंगे। हाँ इधर चाबी दिया नहीं है।
ये देखो नैना अपनी सीट बता रही है, कौन सी सीट है, कहाँ बैठोगी? यहाँ तो कंडक्टर बैठता है, यहाँ कंडक्टर बैठता है, पीछे शुभम की अपनी पीछे की डिसाइड होगी। फाइनली अपनी कार कंप्लीट होकर ढककर खड़ी हो गई है, अब इसकी हम लोग करेंगे ग्रैंड ओपनिंग। जो इसका पर्दा लगा हुआ है, ढकी हुई है, इसको हम लोग सबको मिलके फटाफट से खोलते हुए आपको दिखाते हैं। सॉरी, हम लोगों ने पर्दा कई बार लगाया और हटाया है क्योंकि सबको अपनी अपनी वीडियो, अपनी अपनी रील्स बनानी थी। तो फटाफट इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं और उसके बाद डिलीवरी लेते हैं। ठीक हो गया, फाइनली सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चाबी खेल रहे हैं क्योंकि अभी पर्दा वाला जो बताया था आपको वीडियो, वही अब चाबी वाला वीडियो बन रहा है क्योंकि पर्दा जैसे हम लोगों ने सबको इन्हें अपनी अपनी वीडियो बनवाई, वैसे चाबी की वीडियो सबकी बन रही। तो फटाफट ये भी कंप्लीट करते हैं और गाड़ी यहाँ से निकालते हैं। नहीं तुम जाओ। फाइनली हम लोगों की गाड़ी जा रही है पेट्रोल भरने के लिए। अभी हम लोग सबको यहीं पे हैं और राजन भैया और शुभम दो लोग गए हुए हैं गाड़ी पे पेट्रोल के लिए। वो गाड़ी में पेट्रोल भर के आएगा तो फिर उसके बाद हम लोग अपनी डिलीवरी लेकर यहाँ से निकलेंगे और नई गाड़ी लेकर हम लोग पहुँचेंगे। ये देखिए हमारा भाई जो कि बहुत सारी फ़ोटो खींचा है हम लोगों की, वो खुद अपनी नहीं खिंचा पाया, बड़ा गुस्सा हो गया है। अभी जैसे तैसे मनाया है इसको, अभी गुस्सा ना होना भाई, एक बार देख लो भाई। फाइनली हम लोगों की गाड़ी डिलीवर्ड हो गई, गाड़ी मिल गई है, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और गाड़ी जो हमें मिली है हमें विनय भैया इनके थ्रू गाड़ी हमारी पूरी डिलीवर्ड हुई है। तो कभी भी आपको संपर्क करना हो, इनका कार्ड मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, फोटो में भी, तो आपको देखने को मिल जाएगी, तो आप एक बार कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। गाड़ी हमें बहुत जल्दी दिला दिया है भैया ने, जो हमने उम्मीद नहीं किया था, समझ लीजिए 3 दिन के अंदर गाड़ी दे दिया है। तो फाइनली हम लोग यहाँ से निकलते हैं, वीडियो एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्या नाम बताया? कोई गाड़ी मिल गई है, हम लोग अपनी कार में बैठ गए हैं, पापा भी बैठे हैं और सबको भी बहुत खुश है, पापा भी खुश हैं। तो बड़ी मुश्किल से ये गाड़ी मिली है, नैना देखो पीछे सीट के छुपी है, छोटी सी तो है एक। अब फाइनली हम लोग यहाँ से एजेंसी से निकल रहे हैं। देखिए हम लोगों को गाड़ी डिलीवर्ड हो गई है और गाड़ी टोटल 22 किलोमीटर चली हुई है। ये चीज़ हमको जरूर देना है कितनी गाड़ी चली हुई है। फाइनली वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कार देखकर आप समझ ही गए होंगे XL6 नेक्सा की XL6 कार हम लोगों ने लिया है और कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ जहां कार का पूजन होगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग न्यू ज्ञान।